तो प्रथम श्लोक में श्री महाप्रभु जी के उस दिव्य स्वरूप का गान करते हुए, उनके श्री चरणों में बड़ी श्रद्धा से आत्मनिवेदन करते हुए प्रबोधानंद सरस्वती पाद अगले श्लोक में कहते हैं, द्विज कुमुद कदम्बे चंद्रवन्मोदक मुहुरति रसलुब्धालींद्र वृंदे प्रमत्ते अतुलित रसधारा वृष्टिकर्ता सिनादे विलसतु मम बाधा मूर्ध्नि जिष्णुरिवास्त्रम्। महाप्रभु के अवतरण की प्राकट्य की लीला वर्णन करते हुए सेवक जी महाराज कहते हैं ना, जिस समय श्री महाप्रभु जी का इस धराधाम पर अवतरण हुआ उस समय कैसी स्थिति थी, कह रहे मिलेच्छन भार दुखित मेदिनी और धनी और दूजो नहीं करी कृपा मन कियो विचार। कैसा कैसा संसार था, कह रहे श्रुति पथ विमुख दुखित संसार, श्रुति अर्थात वेद मार्ग से विरुद्ध हो गया था, मिलेच्छों के आक्रमण के कारण, उनके अपवित्र आचरण के कारण ये पवित्र भारत भूमि अपनी पवित्रता खो रही थी, और जो भारतवासी भी थे वो भी अत्यंत कष्ट और पीड़ा से व्याकुल होकर, कोई धर्म से विमुख हो रहा था, कोई अपने ही धर्म का परित्याग करके किसी अन्य मत का आश्रय ले रहा था, ऐसे हृदय को बड़ी दुखी कर देने वाली स्थिति उस समय थी जिस समय महाप्रभु जी का प्राकट्य हुआ। कह रहे मिलेच्छन भार दुखित मेदिनी, चारों ओर जहां देखो वहां धर्म विमुख आचरण से पतित मनुष्यों का ही दर्शन होता था। श्री महाप्रभु जी ने पवित्र ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, और जब यहां प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहते हैं द्विज कुमुद कदम्बे चंद्र वन्मोदकस्त्वम कि आपका प्राकट्य कैसा है, जैसे चंद्रमा को देखकर कुमुदनी खिल जाती है। कमल किसे देखकर खिलता है, कमल कमल सूर्य को देखकर खिलता है, कुमुदनी चंद्रमा को देखकर खिलती है, चंद्रमा को देखकर मुदित होती हुई प्रसन्न होती हुई अपनी अपनी छटा विकीर्ण करती है कुमुदिनी। आपने देखी होगी कुमुदिनी, राधा वल्लभ लाल बड़े प्रेम से कभी कभी अपने हृदय पर उसे धारण करते हैं। तो जो कुमुदिनी का जो प्रियतम है वो चंद्रमा है, चंद्रमा को देखकर कुमुदिनी प्रसन्न होती है। तो यहां प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहते हैं कि वो जो ब्राह्मणों का जो कुल है मानो वही कुमुदिनी है, और उसके लिए आप चंद्रमा के समान हैं। अब ये बात प्रबोधानंद सरस्वती पाद क्यों कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने अपनी उस विमल प्रज्ञा से ये जान लिया कि ये जिस महापुरुष के सन्मुख मैं खड़ा हूं कितना पवित्र जीवन इस महापुरुष का है। देखो महाप्रभु ने जब इस रस का गान किया ना, क्योंकि ये रस लोक वेद से विलक्षण है, तो उस समय जो विमुख लोग थे मंद बुद्धि थे, सेवक जी महाराज ने कहा ना श्री हरिवंश प्रसिद्ध धर्म पर समझे ना अलप तप। अरे कितने 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 जन्मों का पुण्य संचित होता है तब तो श्री कृष्ण की ओर आकर्षण होता है, और फिर श्री कृष्ण का भजन अनेक अनेक भावों से उनके भक्त करते हैं, कोई दास्य भाव से उनको भजता है, कोई सख्य से, कोई वात्सल्य से, ब्रज की गोपियां माधुर्य भाव से उनका भजन करती हैं, पर ये तो उन सबसे विलक्षण ये जो नित्य निकुंज की भजन भावना है, इसी के लिए सेवक जी कह रहे हैं भाई थोड़े तप वाला व्यक्ति इसको समझ नहीं पाएगा। ध्रुवदास जी ने भी यही बात कही, श्री हरिवंश जो कहो रस बिरलो समझन हार एक है दोई पाइये
खोजत सब संसार। इस बात का विचार करना चाहिए कि ध्रुवदास जी तो महाप्रभु के अंतर ध्यान के पश्चात ही 42 लीला का गान कर दिए, अर्थात उन्होंने उसी समय ऐसी दशा देखी होगी ना, तभी तो ये बात कह रहे हैं कि श्री हरिवंश जो कयो रस बिरलो समझनहार। अरे कोई बिरला होता है जो इस रस को समझकर फिर इसका अनुभव आस्वादन करता है। व्यास जी उस समय कह रहे हैं, कह रहे रसिक रसिक सब चल बसे, जब महाप्रभु चले गए तो व्यास जी कह रहे रसिक रसिक सब चल बसे, सेवक जी अंतर ध्यान हो गए और व्यास जी ने बड़ी लंबी अवस्था पाई। कह रहे रसिक रसिक सब चल बसे, अब नीरस रहे कुवंस, अब तो बग ठग की संगति भई। बग माने बगुला, जैसे किसी को किसी का उपहास करना हो ना, कोई व्यक्ति बड़ा दंभी हो पाखंडी हो तो उसको कहते हैं बगुला भक्त है। अब बगुला देखने में तो बड़ा उज्जवल होता है लेकिन उसकी वृत्ति बड़ी अपवित्र है, उसका रूप स्वरूप तो बड़ा उज्जवल है हंस के जैसा है लेकिन उसकी वृत्ति बड़ी अपवित्र है। तो ऐसे क्रिया तो कोई भक्त किसी करे, आचरण अपवित्र हो, उसका भाव निर्मल न हो तो उसके लिए कहते भाई बगुला भक्त है। तो व्यास जी कह रहे भाई जो रसिक थे वो तो चले गए, अब तो बग ठग की संगति भई, परिहरी गए जो हंस, बोले हंस तो चले गए अब तो बगुला भगत रह गए। तो मैं कभी कभी इस बात का विचार करता हूं कि उस समय व्यास जी ये बात कह रहे हैं, उस समय ध्रुवदास जी ने कहा श्री हरिवंश जो कहो रस बिरलो समझनहार। तो महाप्रभु जी ने जब इस रस का गान किया, जो कृपा पात्र थे वो तो इस रस का आस्वादन करने लगे। पर भाई मूर्खों की संख्या सदा ही अधिक होती है और अधिक ही रहेगी। बुद्धिमान तो कोई कोई होता है, प्रज्ञावान तो कोई कोई होता है, मूर्ख लोगों की भीड़ सदा ही अधिक होती है। उस समय भी कुछ ऐसे विमुख थे जिन्होंने महाप्रभु के गाए इस विमल रस का मर्म तो नहीं समझा और बिना ही जाने बिना ही समझे निंदा करने लगे। किसकी निंदा? महाप्रभु की निंदा। तभी सेवक जी ने कहा है करत जे अनसहन निंदक तिन्हु पै अनुग्रह कर। जो विमुख लोग थे वो वैसे निंदा करने लगे, जो विषयी लोग थे वो वैसे निंदा करने लगे। अभी कुछ दिन पहले की घटना है, मुझे किसी ने कहा, मुझे याद नहीं आ रहा, कि यहीं एक महात्मा ने ऐसी थोड़ी सी चर्चा कर दी किसी व्यक्ति से, उनके पास आकर बैठता होगा, 2-4-5-10 दिन बैठा और महात्मा ने उसके सन्मुख कुछ रस संबंधी चर्चा कर दी। तो व्यक्ति तुरंत क्या उत्तर देता है, मुझे बड़ा दुख हुआ सुनकर, वो व्यक्ति क्या उत्तर देता है, अरे इसमें कौन बड़ी बात है, तो हम रोज ही करते हैं। इसी कारण से इस रस को यहां के रसिकों ने दुरा कर रखा, इसी कारण नारायण कह रहे हैं श्रीपति श्रीमुख कमल कहो नारद सो समझाई, वृंदावन रस सबनते राख्यो दूरी दुराई। आज तो भाई जैसे चतुरासी जी की 42 लीला की टीकाएं उपलब्ध हैं, पर मैं बहुत व्यक्तिगत रूप से बात कह रहा हूं, कोई इसको अन्यथा ना ले, मुझे ये उचित नहीं लगता। अब पुस्तक है भाई, बाजार में बिक रही है, किसी के भी हाथ में जाएगी। महापुरुषों ने बड़ा विचार के इस रस का गान किया और फिर उसे बड़ा सहेज संभाल कर रखा। बार बार ध्रुवदास जी कह रहे हैं पिए प्यारी को प्रेम रस सकहीं तो मन में राख। इसलिए कल मैंने आपको कहा बिना अर्थ जानने का प्रयास किए पद गाइए, पद की कृपा से पद का भाव आपके हृदय में प्रकट होगा और वो जो पद का भाव है वो हृदय में ही रहने की वस्तु है, उसे हृदय में ही रखना चाहिए, वो वाणी से वार्ता करने का विषय नहीं है। महाप्रभु ने जो रस कहा है, रस तो भाई उसका तो आस्वादन किया जाता है, रस कोई चर्चा का विषय तो होता नहीं, रस की चर्चा नहीं हो सकती। रस का तो अनुभव होता है, आस्वादन होता है। मैं कई बार आपको एक उदाहरण देता हूं कि भाई मैं आपसे कहूं कि ये लड्डू है खाइए कैसा है, आप कहेंगे मीठा है। अब मैं आपको कहूं बताओ मीठा कैसा होता है, आप बता सकते हो? मैं बता सकता हूं, कोई भी बड़े से बड़ा विद्वान बता सकता है, वाणी से बता सकता है मीठा कैसा होता है, उसके लिए तो भाई मीठा चखना पड़ेगा ना। ऐसे रस है कि चर्चा का विषय नहीं है। और मैं तो आपको अपनी ओर से ये बात भी कहूंगा कि केवल मूल का ही पाठ करना चाहिए, तो चतुरासी के मूल पद है ना, उन्हीं का ही पाठ करिए, उन्हीं का गान करिए, जब महाप्रभु की कृपा होगी, जब श्री जी की कृपा होगी, उसका अर्थ आपके हृदय में अपने आप प्रकट होगा। मुझे तो पहले ही दिन से मुझे ये बात उचित नहीं लगती
कि सब सब पदों का अर्थ, सब पदों की व्याख्या करके दे दी जाए, ये उचित नहीं है, ये किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। महाप्रभु ने हमें मंत्र दे दिया है, पद के रूप में क्या है, वो प्रेम के मंत्र हैं। अब उस पद का गान करिए, गान करते करते, जैसे मंत्र जपते जपते सिद्धि प्राप्त होती है, जपात सिद्धि, ऐसे इन पदों का गान करते करते क्या होगा, रूप माधुरी को पान। पद के गान से क्या होगा, रूप माधुरी का पान होगा। तो जो विषयी लोग थे वो वैसे ही अर्थ का अनर्थ करने लगे। फिर महाप्रभु ने एक ऐसी उपासना प्रकट की, लोक वेद से विलक्षण, एकादशी प्रवृत्ति व्रतों का भी महाप्रभु जी ने अपनी उपासना में निषेध कर दिया, त्याग कर दिया। सर्वस महाप्रसाद प्रसिद्ध ताके अधिकारी। तो संसार के विमुख लोग क्या, बड़े बड़े बुद्धिमान विद्वान भी उनकी बात का, उनके भाव का मर्म न जानकर उनकी निंदा करने लगे। पर जब प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने देखा कि कैसा ये अद्भुत धीर गंभीर ये महापुरुष है, और आपसे मैंने अभी जब हम भगवान के गुणों की चर्चा कर रहे थे, मैंने आपसे कहा था गंभीर कौन होता है, क्या होता है गंभीर्य, जिसकी थाह ना पाई जा सके, जिसके तल का कोई स्पर्श ना कर सके। प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने देखा भाई ये कैसा महापुरुष, धीर गंभीर, क्या क्या कोई कह रहा है, पर करत जे अनसहन निंदक तीनहु पै अनुग्रह करो। और यहां जब कहा ना द्विज कुमुद कदम्बे, पवित्र ब्राह्मणों के कुल रूपी कुमुद वन के लिए तो आप चंद्रमा के जैसे हैं, अर्थात ऐसा आचरण महाप्रभु जी ने किया कि उनके कुल का गौरव बढ़ा। तो कल ही मैंने आपसे कहा था भाई इस अष्टक की चर्चा का उद्देश्य केवल यही है कि भाई जो हमारे महाप्रभु जी का उपासना सिद्धांत है हम उसकी चर्चा करें, हमारे जीवन में वो उपासना की जो रीति है ना वो सम्यक प्रकार से उतरे, यही इस अष्टक की चर्चा का उद्देश्य है। इसीलिए कल मैंने आपसे कहा था कि कल की चर्चा के सार स्वरूप एक ही बात लेकर जाना, क्या, बस ऐसे ही आते जाते अपने प्रिया प्रीतम को नाम और वाणी गाकर गुनगुनाकर सुनाते रहना। और आज दूसरी बात मैं आपसे कह रहा हूं कि अर्थ जानने का प्रयास न करो। क्यों, किस लिए कह रहा हूं मैं ये बात, क्योंकि भाई हमारी बुद्धि बड़ी मैली है। आप देखो इस बुद्धि से हमने जन्म जन्मांतर से विषय का ही तो चिंतन किया है, विषय का ही तो विचार किया है, बड़ी मैली कुचैली हमारी बुद्धि है। नाम जपते रहो, वाणी के वाणी का खूब पाठ करो, खूब गान करो, लेकिन मूल का ही पाठ करो और केवल पदों का गान करो। जब श्री जी कृपा करेंगी तब राधा वल्लभ मुख कमल निरख नयन हरिवंश, निरख नयन हरिवंश। तो ये तो हुआ इसका अभिधा अर्थ। और कल मैंने आपसे कहा था द्विज का एक और अर्थ भी होता है, द्विज अर्थात हंस। तो यहां प्रबोधानंद सरस्वती पाद कह रहे जो जो विवेकवान हैं, जो नित्य सत्य सार वस्तु प्राप्त करना चाहते हैं, जो रसिक हृदय हैं, बोले उनके लिए भी आप कैसे हैं, चंद्रमा के समान हैं। चंद्रमा के कुछ विशेष गुण होते हैं, एक तो चंद्रमा की जो किरणें होती है ना शीतल होती है, त्रिताप से तपा हुआ जीव है उसको सबसे पहले किस बात की आवश्यकता है कि उसके तन मन प्राण शीतल हों। भयंकर गर्मी में तपा हुआ कोई अतिथि आपके पास में आए और आप आते ही उससे वस्त्र आभूषण आदि 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 की चर्चा करने लगे, वो कहेगा भाई सबसे पहले पानी पिलाओ, चैन की सांस तो आए, ऐसे त्रिताप से तपा हुआ जीव है। आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक इन सब तापों से जीव अनंत अनंत काल से तप रहा है, सबसे पहले उसको आवश्यकता है कि कोई ऐसा मिले जिसकी शरण में बैठ मिले विश्राम, चैन तो आए। चंद्रमा का सबसे पहला गुण होता है चंद्रमा की किरणें बड़ी शीतल होती हैं, शीतलता प्रदान करने वाली है। और दूसरा गुण है चंद्रमा किसका वर्षण करता है, चंद्रमा अमृत का वर्षण करता है। चंद्रमा जो है वो अमृतवर्षी है। पूर्णिमा की रात्रि को आप रखते हैं ना खीर,
चंद्रमा की चंद्रिका में, उसमें कुछ होता है, कुछ विलक्षण होता है उसमें। तो ऐसे ये जो हरिवंश चंद्र हैं, सबसे पहले भक्ति हित जे शरण आए, द्वंद दोष जो सब घटे, सबसे पहले तो उसको विश्राम देते हैं। मैं कई बार इस बात का विचार करता हूं, देखो भाई संसार में भी द्वंद है, ऐसा करें कि वैसा करें, ये कुछ अच्छा है कुछ बुरा है, कुछ शुभ है कुछ अशुभ है, कभी हानि है कभी लाभ है, कभी कभी जीवन है कभी मरण है, संसार में भी यही द्वंद है। वो सब छोड़कर व्यक्ति यहां आए तो यहां भी भाई कई द्वंद है। फिर वेद शास्त्रों में विधि निषेध का द्वंद है, फिर व्यक्ति वहां एक उलझन से निकल कर आता है, फिर यहां दूसरी उलझन में उलझता है, वो द्वंद छोड़कर आया, फिर बुद्धि यहां द्वंद में उलझ गई। भाई बुद्धि के लिए तो द्वंद ही द्वंद रहा, और जब तक द्वंद है, जब तक चेतना बटी है, सीधे सीधे शब्दों में मैं कहूं, दो घोड़ों पर बैठकर कौन सुख से ठिकाने पहुंच सकता है? उसको तो भाई अभी नहीं तो एक क्षण में, नहीं तो दो क्षण में उसको तो भाई चोट लगेगी, वो तो पीड़ा पाएगा। तो वहां भी द्वंद है, और यहां आ जाओ तो यहां भी द्वंद है, और जब तक द्वंद है तब तक चेतना को विश्राम कैसे मिलेगा? जिन जिन महापुरुषों ने घोषणा की है पायो महाविश्राम, उन्होंने द्वंद मुक्त होकर ही ये घोषणा की है, ये द्वंद मुक्ति की ही घोषणा है। जब कोई कहता है ना मुझे विश्राम मिल गया, उसका एक ही अर्थ है, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, मन का संशय भागा, हरि रंग लागा रि मई नाम रंग लागा, नाम रंग लागा मई नाम रंग लागा। ये द्वंद मुक्ति की ही तो घोषणा है। अब मैं वृंदावन धन पायो, आहा व्यास जी करे अरे सोवत हुतो विषय मंदिर में। अब व्यास जी तो भाई ज्ञानी पुरुष हैं, वो कोई विषयी पुरुष नहीं है, पर वो ये कह रहे हैं भाई जहां लोगों गोचर मन जाई, वहां तक जो प्राप्त हो रहा है वो सब विषय का ही सुख है, वो विषय का ही रस है। और कल हमने इस बात पर थोड़ी विस्तार से चर्चा की, भाई चार प्रकार के रस हैं, उसमें जो सबसे क्षुद्र रस है, जो हे है, वो विषय का रस है। तो व्यास जी कह रहे भाई ये संसार का वो मान सम्मान, ये उपलब्धि कीर्ति, ये सब मिल रहा था, पर ये सब है क्या? बोले विषय का ही रस है ये। तभी कहा सोवत हुतो विषय मंदिर में, हित गुरु टेर जगायो। व्यास जी भी बड़े द्वंद में आए थे, मुझे तो लगता है पूरा रास्ता व्यास जी यही विचार करते आए होंगे, भाई कौन सी पोथी में से कौन सा प्रश्न पूछेंगे, महाप्रभु जी से मिलना होगा, ये पूछेंगे वो पूछेंगे, ऐसा वाद विवाद होगा, कुछ ऐसे तर्क हम रखेंगे। व्यास जी अब यही विचार करते तो आए होंगे, पांच बैलगाड़ियां पोथी की भर के ला रहे हैं, और व्यास जी कोई भजन करते थोड़ी आए होंगे यहां, वो तो बड़े पंडित हैं, बड़ी तीक्ष्ण बुद्धि है उनकी, कैसे कैसे प्रश्न होंगे उनके पास। पर आप देखो महाप्रभु का दर्शन करते ही सब भूल गए। शायद कभी मैंने आपसे कहा था गुरु वो नहीं होता है जिसके पास आपके प्रश्नों का उत्तर हो, गुरु वो होता है जिसके निकट पहुंचकर आपके पास कोई प्रश्न ही ना रहे, आपको कुछ पूछना ही ना हो। दर्शन की जय साधु का साहिब आवे या, और मुझे यहां ये बात कहनी है कि मैं तो सौभाग्यशाली हूं, गुरु कृपा के बल पर ये बात कह रहा हूं कि यहां तक की यात्रा में मुझे कभी प्रश्न नहीं पूछना पड़ा। मुझे याद नहीं आता कि मैंने कभी जाकर किसी से कोई प्रश्न पूछा हो कि भाई इस संशय का समाधान कर दीजिए। संशय नहीं रहा कभी जीवन में, हरिवंश नाम की कृपा से कुछ मिला नहीं मिला, अगर इतनी बात अवश्य है, सीधा स्पष्ट मार्ग अवश्य हमको मिल गया, सीधा सच्चा मार्ग, कोई प्रश्न नहीं है, कोई द्वंद नहीं है, कोई कुछ जानना नहीं है। तो चंद्रमा का गुण क्या है? सबसे पहला गुण है शीतलता। चांद की चांदनी में जाकर बैठो, तन मन शीतल हो जाता है, चंद्रमा का गुण है वो शीतलता का वर्षण करने वाला है। और फिर यदि किसी को युक्ति आती हो, चंद्रमा से अमृत कण प्राप्त करने की युक्ति है, फिर अगर किसी को वो युक्ति आती हो तो चंद्रमा की जो किरणें जिनको आप केवल शीतल समझ रहे थे, वो केवल शीतल नहीं है, उनमें अमृतत्व भी है। जैसे
कोई संसारी व्यक्ति गंगा का स्नान करे तो उसको केवल गंगा जल की शीतलता का ही अनुभव होता है, क्योंकि वो गंगा जी की महिमा तो जानता नहीं है, लेकिन जो जल की शीतलता है उसका अनुभव तो उसको हो रहा है। वहीं कोई संस्कारी पुरुष, वहीं कोई सज्जन यदि गंगा जी का स्नान करेगा तो शीतलता का अनुभव तो उसको होगा ही, लेकिन वो स्नान करते करते वो गंगा जल की जो पवित्रता है ना उसका भी अनुभव कर लेगा। तो ऐसे जो ये हरिवंश चंद्र हैं, इनकी शरण में जो आए उसको विश्राम तो मिलता भी है, मिलता ही है, लेकिन साथ साथ परम रसद नादैर मोहिता शेष विश्व। और कल आपसे मैंने एक बात कही थी कि प्रबोधानंद प्रवृत्ति विलक्षण प्रतिभा संपन्न महापुरुष जब कुछ कहते हैं तो वो किसी का मन रखने के लिए नहीं कहते हैं, भाई हम ये बात कहेंगे किसी को अच्छा लगेगा, ना ना, वो तो जो अनुभव उनको हो रहा है वो तो अपने अनुभव का गान करते हैं, वो तो अपने आत्मानुभव का आदर करते हैं। तो प्रबोधानंद सरस्वती पाद को वो विश्राम, वो शीतलता अनुभव हुई होगी, तभी उन्होंने अगले श्लोक में ये कहा, द्विज कुमुद कदम्बे चंद्रवन मोदकस्त्वं मुहुरतिरस लुब्धालींद्र वृंदे प्रमत्ते। इसीलिए सेवक जी महाराज ने भी अपनी वाणी का आरंभ कहां से किया, महाप्रभु जी को क्या कहा, श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम, क्यों, क्योंकि जैसे इनकी शरण में आए शीतलता भी मिली, विश्राम भी मिला, और वो प्रेम का अमृत भी इन्होंने अपनी कृपा दृष्टि से हमको पिलाया, प्रेम का अमृत पिलाकर हमको जिवाया। सेवक जी के लिए रसिक जन कहते हैं ना, जय जय श्री हित रूप किशोरी लाल, हम जाए री उन्होंने जीवन दान दिया है। नाम का अमृत पिलाकर गुरु वस्तुतः वास्तविक जीवन का ही तो दान करता है, जीवन दाता है ना गुरु, नाम का अमृत पिलाकर। कभी आपसे मैंने कहा था जो गहरी निद्रा में पड़ा है वो तो मरे समान ही है, जो गहरी निद्रा में पड़ा है वो तो मरे समान है, और जीव ऐसे ही मोह की गहरी निद्रा में पड़ा है तो मृत प्राय ही तो है। गुरु जीवन दान देता है, अपने शब्द से, अपनी दृष्टि से, अपने भाव से, अपने संकल्प से, अपने सानिध्य से। तभी कबीर गाते हैं, हमको मिला जियावन हारा, हमको मिला जियावन हारा, हम ना मरे मरी है संसारा, हम ना मरे मरी है संसारा। तो प्रबोधानंद जी की उस सूक्ष्म मर्म स्पर्शी दृष्टि ने देखा कि महाप्रभु के आभा मंडल में कितनी पवित्रता है, कितना निर्मल इस महापुरुष का आचरण है, और वो पवित्रता वो निर्मलता विशेष है, क्यों, क्योंकि महाप्रभु गृहस्थ के मध्य में रहते हुए ऐसे निर्मल और ऐसे पवित्र हैं। वन में एकांत में किसी कुटिया में बैठकर कोई व्यक्ति कह रहा है, भाई हम असत्य भाषण नहीं करते, अच्छी बात है पर विशेष बात नहीं है, आपके पास बात करने के लिए कोई है नहीं, आप झूठ किससे बोलेंगे। पर एक व्यक्ति व्यवहार में रहता हुआ यदि दृढ़ व्रत लेकर बैठा है कि भाई नहीं मैं असत्य भाषण नहीं करूंगा, तो उसकी जो निष्ठा है वो विशेष है, उसकी निष्ठा जो है वो प्रणम में है। ऐसे महाप्रभु गृहस्थ के मध्य रहते हुए और प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने देखा कैसा निर्मल इनका आचरण, कैसा पवित्र इस महापुरुष का आभा मंडल है। मैं बार बार आपसे कहता रहूंगा, प्रबोधानंद सरस्वती पाद जैसा महापुरुष ऐसे ही किसी के सामने नहीं झुक सकता है भाई। भगवत मुदित जी यही बात तो कह रहे हैं, कह रहे पंडित बड़े बड़े अविनीति, कह रहे पंडित भी बहुत बड़े हैं लेकिन अविनीत भी बहुत हैं, समझते नहीं किसी को कुछ, गिनते नहीं वो किसी को कुछ, अपनी प्रतिभा के सन्मुख वो किसी को कुछ नहीं गिनते,
बड़े 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 पंडितों की, बड़े बड़े विद्वानों की सामर्थ्य नहीं है कि उनके सन्मुख मुख भी खोल दें। ऐसे प्रबोधानंद सरस्वती पाद, और जैसे ही महाप्रभु का दर्शन किया, आत्मनिवेदन कर दिया। निश्चित रूप से उनको उस शीतलता का अनुभव हुआ होगा ना, उनकी चेतना ने भी तो विश्राम पाया होगा। मैं तो सदा से आपसे कहता हूं, भाई कुछ भी पालो, लौकिक अलौकिक कुछ भी प्राप्त कर लो, पर इस चेतना को विश्राम तो प्रेम में ही मिलेगा, अन्यत्र मिल ही नहीं सकता। तभी संत अपना अनुभव कह रहे हैं, सबे रसायन हम किया, प्रेम समान न को, रंचक घट में संचरे, तन मन कंचन। सब सब कुछ करके देख लिया भाई, ज्ञान ध्यान योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा सब करके देख लिया है ना, सब सबका आदर है, सबको प्रणाम है, पर कह रहे ध्यान से सुनना, प्रेम समान न कोई, रंचक घट में संचर है, रंच इस प्रेम का भाव आपके हृदय में संचरित होगा, अगर ये तन मन कंचन होए, इसका संचार होते ही लाली मेरे लाल की जित देखूं तितला, इसका स्पर्श होते ही जे अवतार कदम्ब भजत हैं दृढ़ दृढ़ व्रत जु हिए, और तेव उमग तजत मर जादा बन बिहार रस पिए। अरे रसिक तो बिल्कुल रस बावरे हो गए थे जब महाप्रभु जी ने इस रस को प्रकट किया। आप रसिकों की वाणी पढ़िए, रसिकों की वाणी ही इसका प्रमाण है, वो तो रस बावरे हो गए थे। व्यास जी कह रहे, व्यास दास अब प्रकट बखानत, डार भार में भार बोले सब कुछ, ये सब विधि निषेध भाड़ में जाए। अरे हम तो अपने आचार्य की कृपा से उन्मुक्त कंठ से गा रहे हैं वृंदावन का और वृंदावनेश्वरी का जस और वृंदावनेश्वरी का रस। सुभग गोरी के गोरे पान, नूपुर धुनि पे मुरली वारू, नूपुर धुनि पे मुरली वारू, जावक पे ब्रजरा। जैसे गोपी कहती है ना, अरे कहा करूं भाई कुंठे ही जाए, जहां नहीं नंद जहां नहीं जसोदा, जहां नहीं गोपी ग्वाल न गाए, और जहां नहीं जल जमुना को निर्मल, जहां नहीं कदम्ब की छाए, परमानंद प्रभु चतुर ग्वालिनी, ब्रज रज तज मेरी जाए बलाए, कहा करूं भाई कुंठे ही जाए। ऐसे ध्रुवदास जी कह रहे सिद्धांत विचार लीला में, कह रहे तिही रस के बल, अरे वृंदावन के जो रसिक है, तिही रस के बल सब ते बेपरवाह रहते हैं, बेपरवाह। सेवक जी कह रहे हरिवंश भरोसे भय निडर, सुनित गरजत हरिवंश बल। देवदास जी कह रहे हैं वृंदावन में वास कर और तिथि विधि आने मान, भजन तहां कैसे रहे और खोयो अपने पान, तहां ना लगन ग्रहण के भेद, तहां कुदिन दिन कछु नहीं। तो रसिक तो छक गए इस रस का पान करके, जो रस महाप्रभु जी ने प्रकट किया। तो प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने अनुभव की हरिवंश चंद्र की शीतलता निर्मलता, महाप्रभु के सानिध्य में उस अमृतत्व का उन्होंने अनुभव किया। निकट पहुंचते ही महाप्रभु के लहराने लगा हृदय में कोई रस समुद्र मानो। और मैंने पहले भी आपसे कहा था, कभी श्री जी ने कृपा की और हम प्रबोधानंद सरस्वती पाद की वाणी का यहां कुछ चिंतन कर पाए, तो कभी कभी तो पढ़कर आश्चर्य होता है कि कोई ऐसा डूब सकता है, रस में ऐसा डूब जाएगा। और ध्रुवदास जी ने कहा तिही रस के बल सब ते बेपरवाह रहते हैं, और सब में केवल संसार के लोग नहीं आते, कीट से ब्रह्मा पर्यंत किसी की संक नहीं है, किसी की परवाह नहीं है। हाँ, पर यहां पर एक बात ध्यान रखना, बेपरवाह हुए रसिक लापरवाह नहीं हुए। बेपरवाह होना एक बात है, लापरवाह होना दूसरी बात है। लापरवाह को चोट लगती है, लापरवाह तो कभी ना कभी चोट खाता है,
फिर यहां कह रहे हैं सबसे सबते बेपरवाह रहते, माने बेपरवाह माने कछु लेना न देना और मगन रहना। देवदास जी कह रहे बस अपनो रस लिए रहे, औरन सो मत्सरता छाड़ अपनो रस लिए रहे। यही भी एक बहुत बड़ा कारण रहा कि लोक में इस भाव का प्रचार क्यों नहीं हुआ, क्योंकि भाई जिन जिन को ये रस मिला वो तो कहीं जाकर किसी कुंज के कोने में बैठ गए। मैं बैठी रहूं कुंजन के कोने, बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं किशोरी तोरे चरणन की। और फिर इस रस की कुछ ऐसी विशेषता है कि भाई जिसको इस रस का चस्का लगेगा उसको वृंदावन प्राणों से प्यारा हो जाएगा। वो कहेगा रेमन वृंदावे प्रनिहार, अरे यहां के रसिक तो ऐसे बेपरवाह हुए, ठाकुर जी से भी कहने बोले आपको भी जाना हो तो आप जाओ, आपको जाना हो आप जाओ। मलेच्छों का आक्रमण हुआ, यवनों का आक्रमण हुआ, एक बार तो ठाकुर जी भी भगे यहां से, कहां कहां जाकर छिपे। रसिकों ने वृंदावन नहीं छोड़ा, खंड खंड है जाए तन अंग अंग सत ठूक, पर वृंदावन मत छाड़िए, छाड़ वो है बड़ी चूक। और मुझे लगता है कि भाई इसमें कुछ और नहीं, इसमें केवल श्री जी की इच्छा ही कारण है कि ये रस छिपा रहे। हाँ ठीक है, सहज कृपा हो गई और ये रस एक बार धराधाम पर प्रकट हो गया, पर सेवक जी ने कह दिया भाई ये धर्म तो बड़ा प्रसिद्ध है पर समझे ना अलप तप। पर यह बताता है, यह अष्टक बताता है कि प्रबोधानंद सरस्वती पाद महान तपस्वी हैं, जन्म जन्म के तपस्वी हैं, सिद्ध पुरुष हैं। तभी तो जैसे ही महाप्रभु के सन्मुख आए महाप्रभु की कृपा हो गई और महाप्रभु के उस विशुद्धतम उस निज स्वरूप का अनुभव हो गया, पहचान गए। त्वमसि हरिवंश श्यामचंद्रस्य वंश, आप ही वंशी हो जिसने विवश कर दिया था गोपांगनाओं को और गे देह गए कि दुर्जर श्रृंखलाएं तोड़कर चल पड़ी थी। जी रस वस ब्रज सुंदरिन और छाड़ दिए सुखधाम। रे मन श्री हरिवंश भज जो चाहत विश्राम, और जी रस वस ब्रज सुंदरिन। प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने कहा कि आपके आचरण से आपका कुल गौरवशाली हुआ है, इसीलिए कहा द्विज कुल कुमुद चंद्र। और फिर कलम बात करें तो द्विज का एक अर्थ हंस भी होता है, हंस माने जो सार की बात गए, और सार की बात कहने वाले कौन हैं, वृंदावन के रसिक हैं। तो बोले उन रसिकों का जो समूह है उसके लिए भी आप चंद्रमा हैं, और चंद्रमा अर्थात जो शीतल कर दे, जो अमृतत्व का संचार कर दे। इसलिए सेवक जी महाराज ने जो प्रथम उपमा दी है महाप्रभु जी को चंद्र है, श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम। एक और ये बात आप पता नहीं जानते हैं कि नहीं, समुद्र का जो सार है वो चंद्रमा है। आप देखो चंद्रमा से ही समुद्र में ज्वार भाटा आता है, पूरा समुद्र दोलित हो जाता है चंद्रमा को देखकर। क्यों? क्योंकि चंद्रमा समुद्र का सार है। ऐसे जो रस समुद्र है, रस समुद्र के सार स्वरूप श्री हरिवंश चंद्र हैं। चंद्रमा सार होता है, समुद्र का सार। तो ये जो अगाध अवाध रस सिंधु बह रहा है वृंदावन की निकुंज सीमा में, यद वृंदावन मात्र गोचर महो यन्न श्रुतिकम शिरोप्यारोढुम क्षमते न यत् शिव शुकादी नाम, तो यद ध्यानगम। वृंदावन की सीमा में, नित्य निकुंज की सीमा में ये जो अगाध अबाध रस सिंधु बह रहा है, उस रस सिंधु के सार श्री हरिवंश चंद्र हैं। इसीलिए सेवक जी ने कहा भाई कुछ और सोचने समझने की आवश्यकता नहीं है, सार भजन हरिवंश को, सार भजन हरिवंश को। और फिर यही सिद्धांत विचार लीला में ध्रुवदास जी ने यह भी कहा कि उसी को विवेकी कहते हैं। मैंने कहा ना यहां हंस का प्रयोजन क्या है, हंस के पास जो विवेक है
उसके कारण यह हंस की उपमा दी गई। जिसके पास विवेक है वो हंस है। कबीर अपने मन से कहते हैं, रे मन हंसा मोती चुगना, रेवन हंसा मोती चुगना, माने सार की बात ग्रहण करना। और सार क्या है? सार का सार, उसका भी सार, सबका सार प्रेम है, यही परम रस है। तो जो इस रस को ग्रहण करने वाले हैं, यानी वही विवेकवान है, वही परम हंस है, वही अमलात्मा है, वही विमल बुद्धि को धारण करने वाले हैं, जो सार का सार ग्रहण करते हैं। उन रसिकों के लिए भी, उन रसिकों के समूह के लिए भी, अरे आप चंद्रमा के समान हैं, उनके सुख का कारण तो आप ही हैं, उनको जीवन दान देने वाले तो आप ही हैं। और फिर आगे कहते हैं, मुहूर्ति रस लुब्धालींद्र वृंदे प्रमत्ते। और बोले जो जो प्रेम रस में निमग्न भवरे हैं, अब भवरों से तात्पर्य रसिकों से है। मैंने आपको कभी शायद एक बार संकेत किया था ना, एक मन मक्खी के जैसा है, कहीं पर भी बैठता है, कथा भी सुनेगा, कहीं ग्राम में कथा विषय वार्ता सुनने को मिल जाए वहां पर भी बैठ जाएगा, वहां भी थोड़ा रस ले लिया, यहां भी आ गए। तो एक ऐसा मन है मक्खी के जैसा, फिर एक मन है मधुमक्खी के जैसा, वो ऐसे कहीं पर भी नहीं बैठेगा। पुष्पों के मकरंद का पान करेगा। अब ऐसे लोग कौन है? जो संस्कारी हैं, जिनको सत्संग का संस्कार है, जो सत्संग के संस्कार से सुसंस्कृत हैं, ऐसे जो लोग हैं उनका मन है भाई कहीं अच्छी बात मिलेगी वहां जाकर बैठेंगे, वो सुनेंगे, भगवान की कथा सुनेंगे, भगवत वार्ता सुनेंगे। पर एक मन है मधुकर, मधुव्रत, उसको तो केवल मधु का ही व्रत है, उसकी प्रीति तो कमल पुष्प से ही है, वो तो कमल पुष्प की भी कर्णिका पर बैठेगा और बस उसके मकरंद का ही पान करेगा। तो मक्खी जैसे कौन है? हम तुम हैं भाई, हमारा मन अभी मक्खी के ही जैसा है। जो भगवान के भक्त हैं, जे अवतार कदंब भजत हैं, जो भगवान के अनेक अनेक अवतारों का, भगवान के ऐश्वर्य का, किंचित माधुर्य का जो भजन करते हैं, उनका हृदय मधुमक्खी के जैसा, पुष्पों का मकरंद रस पान करते हैं। ये भंवरे हैं, ये कौन है? जो वृंदावन रस के रसिक हैं, बोले ये भंवरे हैं। और तभी ध्रुवदास जी ने कहा, वृंदावन रस के रसिक ते तो पय्यत, याद नहीं किसी को भी, थोर जिनके हिय में बसत रहें रसमय युगल किशोर। वृंदावन रस के रसिक ते तो पय्यत थोर। और कह रहे हैं कि आपकी जो वाणी है, प्रबोधानंद सरस्वती पाद श्री महाप्रभु जी से कह रहे हैं कि आपकी जो वाणी है, बोले ऐसे रसिक हृदयों को अत्यंत आनंद, परमानंद प्रदान करने वाली है, उनको रस में मत्त कर देने वाली है। लुब्धालींद्र वृंदे प्रमत्ते, महाप्रभु जी की वाणी का श्रवण कर करके ही तो छोड़ दी सबने एक बार, तो अपनी अपनी पूजा, अपनी उपासना सब छोड़कर और उन्मुक्त होकर, श्री राधा 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 राधा। महाराज जी आज भी श्रीनाथ जी में जब बसंत की समाज आरंभ होती है तो पहला पद राधे देख बन की बात ही गाया जाता है। हमने वहां जाकर, वहां की जो समाज श्रृंखला है, जो प्राचीन हस्तलिखित वाणी है, हमने वहां जाकर उसका दर्शन किया, क्योंकि प्राय करके बसंत का ही समय होता है जब वहां पर कथा होती है। तो हमने वहां जाकर दर्शन किया कि आज भी प्रथम पद जो श्री लाल जी को सुनाया जाता है वो राधे देख बन की बात ही सुनाया जाता है। और वहां के सारे वर्ष के उत्सवों में जो सबसे बड़ा उत्सव है वो नंदोत्सव है। वल्लभ कुल के वर्ष भर के उत्सवों में जो सबसे बड़ा उत्सव है वो नंदोत्सव है। और नंदोत्सव के दिन एक बार नहीं, तीन बार ठाकुर जी को पद सुना जाता है, आनंद आज नंद के द्वार। तीन बार ये पद वहां पर गाया जाता है, आनंद आज नंद के द्वार। क्या हुआ भाई? समय के साथ साथ
मानव मन विकृत होता गया, संप्रदाय आदि में अहम श्रेष्ठ हो, हम ही बड़े हैं, हम ही श्रेष्ठ हैं, इस प्रकार का भाव, इस प्रकार की कुरीतियां, इस प्रकार के अनर्थकारी चिंतन बढ़ते चले गए। पर भाई सत्य तो सत्य है, और जो महापुरुष हैं, जो विवेकी लोग हैं, जो सार सिद्धांत को समझने वाले हैं, मर्म स्पर्शी बुद्धि है जिनके पास, वो तो इसको सादर स्वीकार करते हैं कि श्री हितरिवंश महाप्रभु ने जो रस प्रकट किया, जो रस सबते दूर, जिसके लिए स्वयं नारायण कह रहे हैं, वृंदावन रस सबनते राख्यो दूर दुराई। ये तो भाई सत्य है, ये तो एक निष्पक्ष चर्चा हो रही है यहां पर। और आप तो जानते हैं भाई, हम तो यहां से सभी संतों, सभी भक्तों की वाणी का गान करते आए हैं आज तक, सभी आचार्यों के चरणों में एक बार नहीं, अनेक अनेक बार प्रणाम करते हैं, करते रहेंगे। पर मैं ये कहता हूं कि भाई, ये जो अनेक अनेक आचार्यों के रूप में जो भगवान की कृपा शक्ति का अवतरण हुआ, उसका कुछ उद्देश्य है, क्योंकि अनेक अनेक रुचियों के जीव हैं, किसी को प्रभु किस रूप में प्रिय है, किसी को किस रूप में प्रिय है, इसलिए सब आचार्यों ने अपना अपना एक एक विशिष्ट भक्ति सिद्धांत दिया। पर ये तो सबको मानना पड़ेगा, और मैं कहता हूं मानना चाहिए, और भक्तमालकार मानकर ही तो कह रहे हैं, राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी, कुंज केली दंपति तहां की करत खवास। बड़ा गूढ़ार्थ है इस पंक्ति में, कुंज केली दंपति तहां की करत खवासी। जहां दंपति हो, और वृंदावन के ये दंपति कैसे हैं, ये तो नित दूल्हा नित दुल्हन है, नव दूल्हा नव दुल्हन, ये नव दुल्हन अति सुकुमारी, ये नव दुल्हन बिहारी। अब जहां दंपति हो और नव दंपति हो, वहां तो एकांत अपेक्षित है, एकांत ही होना भी चाहिए। पर जहां नव दंपति क्रीड़ा करते हैं, बोले ये जो सखी है तहां की करत खवासी, कुंज केली दंपति तहां की करत खवासी, जहां वृंदावन की कुंजों में इस दंपति की नित्य केली संपादित हो रही है, बोले ये जो हित सखी है, ये जो हित अली है, बोले ये वहां उपस्थित रहकर उन नित्य नव किशोर की सेवा में, उनकी खवासी में संलग्न है। तहां की करत खवासी, कहां की, जहां के लिए व्यास जी कहते हैं पल ना बिछुरत दोउ, और तहां नहीं जात को व्यास महलन लिए भीख दानी, तहां नहीं जात को। पहले भी शायद मैंने कभी बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा था कि देखो, किसी को वात्सल्य भाव से बाल कृष्ण की सेवा करनी हो तो उसको श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु श्री गोसाई श्री विठ्ठलनाथ जी के चरणों का ही आश्रय लेना चाहिए। किसी को गोपीजन वल्लभ अच्छे लगते हो तो फिर चैतन्य महाप्रभु उनके भाव का अनुसरण करना चाहिए। हाँ, पर अगर वृंदावन धाम की कृपा से किसी की प्रीति, किसी की रति श्री वृषभानुनंदिनी के चरणों में हो गई, वो सहज में ही प्रिया जी के चरणों की ओर, चरण कमलों की ओर ये मन मधुकर जाता हो, फिर तो भाई जिनके श्री हरिवंश सहायक तेई सजन भजन अधिकारी वृंदावन घन बसीवे लायक, फिर तो उसको रट हरिवंश जप हरिवंश श्री हरिवंश सुना रे, रट हरिवंश जप हरिवंश श्री हरिवंश सुना, रट हरिवंश जप हरिवंश श्री हरिवंश सुना रे, हरिवंश
जप हरिवंश श्री हरिवंश सुनारे श्री हरिवंश चंद्र के चरणों की शरण ग्रहण करेगा। सबसे पहले तो द्वंद दोष जो सब घटे, ये जो बिखरी भटकी जो हमारी चेतना है उसको विश्राम मिलेगा, और फिर उसके बाद पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम। ये गूढ़ रस भक्ति महाप्रभु इसे कहते हैं चमत्कारिणी भक्ति। इनकी शरण में आने वाले पर वृषभानुनंदिनी कुछ ऐसी कृपा करती हैं कि अपने अपने उन दिव्य सुकुमार चरण कमलों को उसके उसके हृदय सिंहासन पर विराजमान कर देती हैं। स्वांता नाम समुदेति कापि सरसा भक्ति ही चमत्कारिणी। और चमत्कारिणी क्या है, क्या चमत्कार है इसमें कि जीव का जीवत्व ही भंग हो जाता है। आप देखो रास लीला तक भी ठाकुर जी दाता ही बने हुए हैं, दे ही तो रहे हैं, जब जितना उनकी इच्छा है तब उतना उन्होंने दिया, दे ही तो रहे हैं, वो दाता है, गोपांगनाएं रस प्राप्त कर रही हैं। पर गिरे ये इस भक्ति का प्रभाव प्रताप क्या है, श्रीजी के चरणारविंद की भक्ति का प्रभाव प्रताप क्या है, अरे जीव का जीवत्व ही भंग हो जाए, जीव रस रूप हो जाए। क्या सखियों की सामर्थ्य है, विहारिन देव कहते हैं हम शिष्य श्यामा श्याम के, हम गुरु श्यामा श्याम, हम शिष्य भी हम गुरु भी हैं। महाप्रभु कह रहे हैं चतुरासी जी में आज मेरे कहे चलो मृग नैनी, डांट देती हैं सखियां कभी कभी लाल जी को, किमरे धूर्त प्रबर ऐसा कहकर डांट देती हैं। नेक सा गोपियों ने अपना विचार ही तो किया था, लो ऐठ गए ये चले गए, अब रोते रहो गाते रहो डोलते रहो बन बन, अब जब इच्छा होगी तब आएंगे, और कौन कौन जानता है आएंगे तो कब तक रहेंगे, आएंगे फिर चले जाएंगे। पर यहां ऐसा नहीं, ये तो जीव को कोई कोई विशेषाधिकार प्रदान करने वाली भक्ति भावना है, पूर्ण अधिकार है सहचरियों का। महाप्रभु सुधा निधि में कहते हैं कि वृंदावन धाम ने वो रस
सहचरियों को संपूर्ण रूप से प्रदान कर दिया है। तद द्वंद्वम स्वादनीयम सकलमपि ददौ राधिका किंकरीभ्यः, पूर्ण रूप से सखियों को अधिकार प्रदान कर दिया है। एक प्रकार से यदि यह कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि श्यामा श्याम जो है ना, अब वो खिलौना है, सखियां खिलाड़ी हैं। पद भी तो है, मुझे याद नहीं आ रहा किसका, मेरे माई श्यामा श्याम खिलौना। रसिक जन कह रहे हैं मेरे माई श्यामा श्याम खिलौना। वहां रासलीला तक, शांत रस से लेकर उस माधुर्य रस तक आप विचार करिए, ठाकुर जी खिलाड़ी हैं। सवई नचावत राम गुसाई, जैसा इच्छा हो रहा है वैसा नचा रहे हैं, वैसा खिला रहे हैं सबको। यहां ऐसा नहीं है, यहां तो श्यामा श्याम खिलौना है। भगवत रसिक देव अपनी वाणी में कहते हैं कि जो हम गाते हैं वही श्यामा श्याम करते हैं। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे, भावे मोहे जोई सोई सोई करे प्यारे। हाँ, पर इतना तो मुझे कहना पड़ेगा भाई, जब जब उस देश की बात होती है फिर कहते कहते थक कर वापस ही लौटना पड़ता है, यही कहकर लौटना पड़ता है कि भाई इतना ही कहा जा सकता है, इसके आगे की बात तो ये तो अनुभव का विषय है। खूब नाम जपो, खूब गाओ इन रसिकों की वाणी, इसी की कृपा से, इसी की कृपा से उस रस का बिंदु मिलेगा, इसी की कृपा से रसानुभव होगा, इसी की कृपा से भाव देश में प्रवेश होगा। महाप्रभु ने तो बिल्कुल स्पष्ट कहा, राधा नामैव कार्यम यनुदिन मिलितम साधनाधीश कोटिस त्याज्यो नीराज्य राधा पद कमल सुधा सत्पुमर्थाग्र कोटि। अरे अगर श्रीजी का ही भाव मिल गया है जपने के लिए, श्रीजी का ही नाम मिल गया है, बोले फिर किसी अन्य साधन से प्रयोजन क्या है भाई। अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मजार्चिते हिमाद्रिजा पुलोमजा विरंचिजा वरप्रदे अपार सिद्धि वृद्धि दिग्ध सत्पदांगुली नखे कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम, कदा करिष्यसि हमां कटाक्ष। होते तो थोड़े हैं पर अवश्य कुछ हृदय ऐसे होते हैं जो प्रेम के लिए ही बने होते हैं। यहां उन्हीं रसिक हृदयों की बात हो रही है जो प्रेम के एक क्षण पर लोक परलोक सब न्योछावर करने को तैयार हो, ऐसे प्रेमी हृदय, उन्हीं के लिए, उन्हीं के लिए प्रबोधानंद सरस्वती पाद कह रहे हैं कि वो जो बड़भागी, वो जो प्रेमी जन है, वो जो रसिक जन है, वो जो सहृदय जन है, उनके लिए तो आपकी वाणी फिर अमृत का वर्षण करने वाली है। आपकी वाणी सुन सुन कर वो उन्मत्त हो जाते हैं। अरे व्यास जी उन्मत्त होकर ही तो आए, उन्मत्त होकर ही तो आए। जय श्री हित हरिवंश लाल ललना मिल ही ओ सिरावत मोर। अरे एक बात मैं आपको अपनी ओर से निवेदन करूं कि भाई यहां के रसिकों ने तो ऐसे ही इस रस को बिलसा है, कुछ नहीं किया उन्होंने, और कुछ भी नहीं, बस बैठ गए किसी कुंज के कोने में, मूंद लिए अपने नेत्र और गा रहे हैं एक ही पंक्ति को सौ सौ बार बस गा रहे हैं। ऐसे नवलदास जी उन्मत्त बैठे थे वहां ओरछा में, व्यास जी को सूचना मिली भाई कोई वृंदावन का रसिक है तो उसकी भाव दशा बड़ी विलक्षण है। व्यास जी ने कहा देखना चाहिए। अब उन दिनों व्यास जी उसी भाव में रहते थे, प्रतीक्षा करते थे भाई कोई ऐसा महापुरुष मिले जिसके चरणों में हम भी अपना मस्तक रखें, हम पर भी गुरु की कृपा हो। उस समय खोज ही रहे थे व्यास जी। अब किसी ने आकर कहा कि ऐसे कोई वृंदावन का रसिक है, एक बार आपको जरूर दर्शन करना चाहिए। सुबह का समय, नदी का वो किनारा, वो सुरम्य स्थान,
और नवल दास जी बिल्कुल छके हैं सुरतांत की भावना में। आज तिराजत दंपति भो सुरत रंग के रस में भीने नागरी नवल किसो राजति राजत दंपति भो पगडग मगत चलत बन विहरत रुचिर कुंज घन खोर जय श्री हित हरिवंश लाल ललनामिलि इयो सिरावत मो। ओरछा के राजगुरु आए हैं दर्शन करने, नवलदास जी कोई सुध नहीं है इसकी, नेत्र मुदे हैं, प्रेम के सात्विक भाव उनके उनके गात पर प्रकट हो रहे हैं, अश्रु स्वेद कंप रोमांच उनके गात पर ये दिव्य भाव प्रकट हो रहे हैं। व्यास जी ने प्रेम के अष्ट सात्विक भावों के विषय में पढ़ा तो था, सुना भी था, चर्चा भी की थी, लेकिन देखा नहीं था। आज पहली बार देखा प्रेम के वो सात्विक भाव, उनकी शोभा, उनकी महिमा। राजगुरु द्वार पर खड़े हैं, व्यास जी खड़े रहे देखते रहे नवलदास जी को कि भाई इनके नेत्र कुछ खुले तो इनसे हम कुछ वार्ता करें। और नवलदास जी यही एक पंक्ति, पगडग मगत चलत बन विहरत रुचिर कुंज घन खोर जय श्री हित हरिवंश लाल ललनामिलि हियो सिरावत मो। आज तिराजत दंपति भो। व्यास जी एक टक देखते रह गए। बड़ी देर के बाद जब नवलदास जी की वृत्ति थोड़ी बहिर्मुखी हुई, नेत्र खोलकर देखा राजगुरु खड़े हैं, तब कुछ चर्चा हुई। व्यास जी ने सीधे सार की बात पूछी, ये जो गा रहे हैं आप, इन अमृत तुल्य शब्दों का स्रोत क्या है, ये वाणी कहां से प्रकट हुई है, किन महापुरुष के हृदय के उद्गार हैं ये। तब नवलदास जी ने महाप्रभु जी का परिचय दिया। व्यास जी उन्मत्त ही तो हो गए सुन के, कुछ और सोचा नहीं, विचारा नहीं, चले आए। मैं तो बहुत बार इस घटना का विचार करता हूं, साधारण सा व्यक्ति भी, हाँ जाना है वृंदावन, जाना है वृंदावन, जाएंगे, तब कहीं जाकर वो आता है, आप आता है, दुकान कौन देखेगा, घर कौन देखेगा, ये कितने विचार होते हैं, व्यवस्था करके कोई पहुंच पाता है। और व्यास जी तो अपना सारा राजपाट छोड़कर चल दिए। इसीलिए प्रबोधानंद सरस्वती पाठ कह रहे कि आपकी वाणी ने तो रसिक हृदयों को प्रभत्त कर दिया है। प्राणों से अधिक करके दुलराया रसिकों ने हितजू की वाणी को। आप कभी नागरी दास जी की वाणी का दर्शन करें, नागरी दास जी के जो दोहा है, नागरी दास जी ने तो मुझे लगता है कि हितजू की वाणी के अतिरिक्त और कुछ गाया ध्याया ही नहीं कभी, यही उनका जीवन सर्वस्व है, महाप्रभु जी की वाणी। किस भाव से सेवक जी कह रहे हैं, ताही तज और गाऊं ना कबहूं कछु प्राण रम रही हरिवंश वाणी। क्या मिल गया इन रसिकों को ऐसा कि रसिक दे कोटि मुक्ति पग पेल, प्राकृत अप्राकृत सब प्रकार की संपदा को त्याग करके और पड़े हैं रसिक यहां वृंदावन की कुंजों में, बस बैठी रहूं कुंजन के कोने श्याम राधिका गाऊं। मैं तो आपको बड़ी विनम्रता पूर्वक ये कहूंगा, भाई कर सको तो फिर इसी विधि से भजन करो,
इसीलिए शायद कभी मैंने आपसे कहा था प्रकट सेवा करना, प्रकट सेवा कुंजी है भाव देश में प्रवेश करने की। पर देखना, प्रकट सेवा कहीं ऐसी ना हो कि आपकी वृत्ति बहिर्मुखी हो जाए, आपके जीवन में केवल व्यक्ति और वस्तुओं का संग्रह होना आरंभ हो जाए, वही आपकी प्रकट सेवा का अर्थ हो जाए। इसीलिए पहले कभी यह भी कहा था मैंने आपसे, जब तक अपने इष्ट के स्वरूप को नहीं समझोगे तब तक अपने इष्ट के स्वरूप के अनुकूल सेवा कैसे करोगे। पहले यह समझना पड़ेगा ना कि हमारे प्रिया प्रीतम का स्वरूप क्या है, कैसे कैसे हैं प्रिया लाल रस घन मोहन मूर्ति। रस से ही उनका विग्रह बना है, रस ही उनको पुष्ट करता है, रस ही उनको प्रसन्न करता है। और रस कहां है? संसार की तो किसी वस्तु में रस नहीं है भाई, संसार की वस्तु में तो गुण दोष है, रस तो नहीं है। उत्तम से उत्तम वस्तु भी यहां की तो गुण दोष से ही बनी है, त्रिगुण जनित ही है। वो जो रस जो प्रियालाल के सुख का कारण है, जो प्रियालाल के हृदय को आनंद देने वाला है, वो तो कै वाणी हरिवंश की कै हरिवंश ही नाम। मैं तो कहता हूं एक रसोपासक का एक हितोपासक का लक्ष्य यही होना चाहिए, नाम और वाणी। कहां रहते हैं प्रियालाल, कहां विहार करते हैं? कह रहे सेवक वाणी कुंज में और विहरत परम अनु। देखो बुरा मत मानना, पर क्या होता है कि जो शरीर से जो क्रिया होती है ना, वो करना बड़ा आसान है, करते करते उसका अभ्यास हो जाता है, मन सब जगह दौड़ता रहेगा, चक्कर लगाता रहेगा, हाथ से आप अपना कार्य करते रहोगे और आपको लगेगा भाई हम श्री जी की सेवा में हैं, यही श्री जी की सेवा का अर्थ है और आज की सेवा हो गई, इसी का अभ्यास हो जाता है। फिर यंत्र की भांति व्यक्ति बस वो कार्य समय पर, जैसे रोज का एक कार्य होता है ना, उसी के जैसे करता रहता है। हाँ ठीक है, बिखरे भटके जीवन को पहले संयमित करने के लिए, सुव्यवस्थित करने के लिए सब व्यवस्था है, पर लक्ष्य हमारा यही है कै वाणी हरिवंश की कै हरिवंश ही नाम। खुली आंख से कैसे जाओगे भाई वहां? अरे कहने वाला करता है कि कुछ ऐसी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए, देखने के लिए नेत्र मूंदने पड़ते हैं। आप देखो कहीं किंचित, यहां पर भी किंचित रसानुभूति हो तो नेत्र मूंद जाते हैं। आप मूंदते नहीं, रसानुभव की स्थिति में नेत्र मूंद जाते हैं। और रसिकों को जो ये प्रगाढ़ रस का अनुभव हुआ है, आपको लगता है खुली आंखों से ये दसों दिशाओं को देखते हुए ये अनुभव हुआ होगा? संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है ऐसा। खड़े रहे व्यास जी, नमलदास जी को सुधे ही नहीं है तो नेत्र मुदे हैं, नेत्रों से अश्रु धार बह रही है, और हृदय निकुंज में होने वाले उस सरस विहार, उस सरस क्रीड़ा का वो आस्वादन कर रहे हैं। ये रीति है, ये रीति है रसास्वादन करने की। कठिन है, खरोई कठिन है भजन ढिंग ढरी वो। कितना बिखरा हुआ मन है, कैसे सिमटेगा? इसके लिए आचार्यों ने प्रकट सेवा की व्यवस्था की। प्रकट सेवा ही करनी है, अंतरंग सो प्रकट है, प्रकट सेवा ही करनी है। लेकिन यह ध्यान रखना है भाई, प्रकट सेवा करने के लिए हमको कोई बहुत अधिक व्यक्ति वस्तु की आवश्यकता नहीं है। ये तो आपका और आपके आपके प्रियालाल के मध्य का भाव है, किसी और की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। लक्ष्य हमारा नाम और वाणी रहे, भूलना नहीं कभी कि प्रिया जी को सुख इसी नाम और इसी वाणी से प्राप्त होता है। और सब मैं तो अब बहुत सीधे स्पष्ट अगर कहूं तो मैं कहूंगा भाई बाकी सब जो हम करते हैं ना, उसमें से तो बहुत कुछ हम अपने लिए ही करते हैं, अपने लिए ही करते हैं। श्री जी के सुख के लिए तो नाम है और वाणी है। खूब गाइए, खूब गाइए, खूब सुनाइए उनको। अरे यहां पर भी किंचित किसी को
राग आदि का कोई भाव स्पर्श कर जाए किसी वस्तु की उसको आवश्यकता नहीं रहती। फिर वो देखो प्रेम की कौन सी स्थिति है, वो कौन सा देश है, प्रेम का कैसा अद्भुत अनुभव है वहां, क्या वहां सब ये सब रह जाएगा, वहां वहां पहुंचते पहुंचते क्या ये सब रह जाता है ना। भाई मेरा अनुभव तो यही कहता है, और मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक अपनी बात आपसे कह रहा हूं, मेरा अनुभव तो यही कहता है सब छूट जाता है, बहुत पीछे छूट जाता है। अरे नागरी दास जी कह रहे हैं मन हूं कि जहां गति नहीं तहां निकास है गात, मन हूं कि जहां गति नहीं, मार्ग रसिक नरेश के यही विधि निकस्यो जा। फिर आगे कहते हैं अतुलित रस धारा दृष्टि करता सिनादै विलसतु मम बाधा मूर्नि जिष्णोरिवास्त्रम। आपके जो वचन है प्रबोधानंद सरस्वती बात ने कहा, आपके जो वचन है ना ये आपकी वाणी है अतुलित रसधारा की, ये वृष्टि करने वाली है, भिगो देने वाली है। प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने देखा ना क्या उस समय वृंदावन की शोभा है, वृंदावन की शोभा देखत मेरे नैन सिरात, व्यास जी कहते हैं क्या उस समय वृंदावन की शोभा है, सुफलित वृंदावन, कुसुमित वृंदावन, सुरभित वृंदावन, आनंदित वृंदावन, तरंगायित वृंदावन, रस की तरंगे जहां तहां तरंगायित हो रही हैं। जब प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने रस वैभव देखा तो कहा धरती कब हरी भरी होती है, वर्षा होती है, रसिकों के हृदय वृंदावन धाम जब ऐसा अद्भुत सुफलित सुरभित देखा प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने, देखा भाई यहां यहां किस रस की वर्षा हो रही है, तब कहा महाप्रभु जी से बोले आपके जो वचन है ना यही इस रस की वर्षा कर रहे हैं, इसीलिए फूल रहा है वृंदावन, फूल जहां तहां देखिए श्री वृंदावन माही द्रुम वेली खग सहचरी बिना फूल को नाही। अतुलित रसधारा वृष्टि करता कौन है, प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहते हैं महाप्रभु जी से कह रहे हैं आपके वचन है, ये जो आपने वचन उच्चारे हैं ना बनी वृषभानु नंदिनी, ये जो वचन आपने उच्चारे हैं बनी राधा मोहन झुकी जो सुंदर पुलिन सुभग सुखदायक नव नव घन अनुराग परस्पर खेलत कुंवर नागरी नायक सुंदर पुलिन सुभग सुखदायक। फिर तो आर्त होकर अगली पंक्ति में प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहते हैं, कह रहे जैसे नारायण का सुदर्शन चक्र सदा अपने भक्तों की रक्षा में तत्पर रहता है, कह रहे ऐसे ही इस रस प्राप्ति में जो भी बाधाएं हैं, अभी प्रबोधानंद सरस्वती पाद अपनी बात कह रहे हैं, कह रहे इस रस की प्राप्ति में जो भी बाधाएं हैं कृपा करिए कि आपकी वाणी विष्णु के सुदर्शन चक्र के समान मेरी भी उन सब बाधाओं का नाश कर दे। क्या क्या बाधा है प्रबोधानंद सरस्वती पाद के सन्मुख, बोले भाई ये जो इतना ज्ञान ध्यान हमने कर लिया है इसका जो गहरा संस्कार मेरे चित्त पर पड़ गया है अब वही विक्षेप है। जैसे व्यास जी अपने एक पद में कहते हैं बोले जितना पोथी पुराण है ना बोले पढ़त जान है जी को, बोले जी का जंजाल बन गया है हमारा। भाई सार की बात तो बड़ी थोड़ी है, और मैं कहता हूं एक ही है, एक ही है सार की बात तो एक ही है, हित तो कीजे कमल नयन सो, कमल नयन सो
जाहित आगे और हित लागे फीको, कमल नयन सो, कमल नयन सो, के हित कीजे साधु संगति सो, साधु संगति सो, जावे कलमश जी को, कमल नयन सो, कमल नयन सो। कुछ नया याद करना कठिन है, पर याद किए हुए को भुलाना बहुत कठिन है। जो आपने याद कर लिया है ना, याद करने में आपको हो सकता है कठिनाई हुई हो, लेकिन जो याद कर लिया है उसको भूलना बहुत कठिन है, क्योंकि उसका संस्कार पड़ जाता है। इसलिए तो कबीर जी कह रहे हैं, अरे कबीरा पढ़ना दूर कर, पोथी दे बहाए, बावन आखर सोध के, और ररो ममो चितलाए। जो गुरु करे वो करना चाहिए, गुरु के आचरण का जहां तक संभव हो सके अनुसरण करना चाहिए। और ये आचरण किसका है, सब बांटकर दो अक्षर अपने पास रख लिए, त्रिभुवन के गुरु का। शतकोटि श्लोक रच देने के बाद सब बांट दिया महादेव ने, दो शब्द अपने पास रख लिए, ये हमारे पास रहेंगे। मैं तो उस दिन आपसे कह ही रहा था, भाई आपको सुनाना होता है तो हमको भी पन्ने पलटने पड़ते हैं, क्योंकि जब शास्त्र की चर्चा होती है तो वो श्रुति शास्त्र सम्मत तरीके से ही होनी चाहिए, तो उसके लिए भाई मुझे भी पन्ने पलटने पड़ते हैं। ना हो इसकी आवश्यकता, यदि ना हो तो भाई मेरे को तो कुछ भी छूने की आवश्यकता नहीं है। रट हरिवंश जप हरिवंश श्री हरिवंश। तो प्रबोधानंद सरस्वती पाद जो कह रहे हैं ना, मेरी बाधाएं दूर करिए, कृपा करिए मुझ पर, इस रस को प्राप्त करने में जो मेरी बाधा है वो दूर करिए। क्या बाधा है? कह रहे जो मेरे पूर्व के संस्कार है ना, यही बाधा बन रहे हैं, मेरी जो ये तीक्ष्ण बुद्धि है ये बाधा है। व्यास जी के संशय का निवारण कैसे किया महाप्रभु जी ने? अपनी वाणी से ही तो किया। यह जिए जान श्याम श्यामा पद कमल संग सिर नायो, यही मंत्र तो व्यास जी को दिया श्री महाप्रभु जी ने, ऐसे प्रबोधानंद सरस्वती पाद कह रहे हैं। श्लोक में पहले यश गाया महाप्रभु जी और महाप्रभु जी की वाणी का, और अब कह रहे हैं अब उसी वाणी से मेरी समस्त बाधाओं को दूर कर दीजिए, मेरा हृदय इस रसास्वादन के योग्य हो जाए, मुझे कृपा का पात्र बनाइए। ऐसी प्रार्थना प्रबोधानंद सरस्वती पाद इस द्वितीय श्लोक में करते हैं। बड़ी सुंदर उपमा दी है श्री प्रबोधानंद जी ने, बोले जैसे नारायण का सुदर्शन चक्र सदा तत्पर रहता है नारायण के भक्तों की रक्षा में, उनके मार्ग में आने वाली सब बाधाओं को दूर करता चलता है, कह रहे ऐसे ही आपकी वाणी भी उसी सुदर्शन चक्र के समान रसानुभव में जो भी बाधा है उन सब बाधाओं को दूर करे। मैं तो शरणागत हूं, मैं तो प्रपन्न हूं, अब यहां तक आ गया हूं, हे कृपानाथ अब मुझ पर कृपा करिए। तो आज की वार्ता यही श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं, हमारा श्री के चरणों में प्रणाम, आप सब के हृदयस्थ हित प्रभु को नमन।